गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलो आज देखते हैं हम ये दाल ढोकली कैसे बनाए। तो चलो सीखते हैं दाल ढोकली कैसे बनाई जाती है, झटपट इजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 4 चम्मच मैंने गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हम अब डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर चुटकी भर हिंग और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ में 1 चम्मच तेल भी लूँगी मून के लिए और पानी डाल के आटा बुनना है। जैसे हम रोटी का आटा नॉर्मली बुनते हैं वैसे आटा बुनना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी लेते लेते आटा बुनना है, अच्छे से मसलना है आटे को। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा मसलेंगे हम इसे। ये ढोकली के लिए आटा रेडी है हमारा। अब हम इसे बेल लेते हैं या छोटी छोटी लुई करके हमें इसे बेल लेना है। रोटी बनानी एकदम पतली होनी चाहिए, ये मोटी नहीं होनी चाहिए, एकदम पतली बेलना है इसे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एकदम पतला बेलना है इसे, जितना पतला आप बेल सके इसे उतना पतला बेलना है आपको। लोग इसे चने के आटे से भी बनाते हैं, मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। अब हम इसे काट लेंगे स्क्वायर, छोटे छोटे पीसेस करेंगे हम इसके। देख सकते हैं, देखो स्क्वायर पीसेस किए हैं हमने। अब हमने दाल बॉईल करके रखी है पहले से, अब हम तड़का बनाएंगे। तेल लिया है 2 चम्मच, तेल गरम हो चुका है देख सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे राई, जीरा, हिंग चुटकी भर। अब हम इसमें दाल डालेंगे, मैंने तुअर की दाल ली है बॉईल करके। थोड़ा मिक्स कर लेंगे उसको, फिर इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें गुड़ डाला है मैंने, थोड़े सिंगदाने डाले हैं, कोकम डाला है 3, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर डाल के हम इसको अच्छे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे। मैंने यहाँ पे लौंग और दालचीनी ली है 2 से 3। अच्छे से बॉयल हो रहा है ये, थोड़ी थिक लग रही है मुझे तो मैंने थोड़ा पानी डाला है उसमें। एकदम पतली होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ढोकली डालने के बाद वो थिक हो जाती है इट्सेल्फ। गरम मसाला लिया है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और यहाँ पे किशमिश डाली है मैंने। अच्छे से बॉईल करना है, जितना अच्छा ये बॉईल होगा उतना अच्छा बनेगा। अब हमें एक 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 करके इसमें ढोकलियाँ डालनी है जो हमने पहले बना के रखी हैं स्क्वायर वाली। ढोकली डाल के अराउंड 15 मिनट्स उसे बॉईल होने देना है तो ढोकलियाँ अंदर से कुक हो जाएंगी। आप देख सकते हैं एकदम कुक हो चुकी हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, एकदम थिक हो चुकी हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे, इसको ऊपर से घी डाल के सर्व करते हैं दोस्तों। आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनती है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।